गोवर सचिन के अत्याचारों को सात मुजरिमों को रात को 12 बजे सीधे थाने में फोन करके चिल्लाया था, जिसने रातों रात जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह को और एसएसपी मंदिर स्वामी को रातों रात हटाया था। इस जिले के हालातों से बन चुके थे, कोई एक नया डीएमएसएसपी इस जिले में आना नहीं चाहता था। मित्रों, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता की आग लगा रखी थी, हिंदू मुस्लिम दीवार खड़ी कर रखी थी, हिंदू मुस्लिम शहर समाज के बीच में घोलने का काम कर रखा था, ऐसा आसन था तुमने विधानसभा गया तो मुझे दिखाई दिया। मित्रों, मैंने अपने मन में सोचा कितना बड़ा निर्णय दिया, इतनी बड़ी गुंडागर्दी कराने वाला व्यक्ति इस विधानसभा में आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा आती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मित्रों, 6 महीने तक विचार करते रहे कि उसी विधानसभा में इस देश के किसान नस्ल कहने वाले बच्चा बच्चा जानते हैं, चौधरी चरण सिंह बैठे हैं और उसी विधानसभा में इतना बड़ा भूमा दिया जो पूरे प्रदेश के अंदर आग लगाने का काम करता है। आचम खा बैठा है और एक तरफ योगी बाबा बैठा है, ऐसा तो संभव नहीं होना चाहिए। संवाद मिले और मित्रों बताना चाहते हूं, अगले 3 महीने के अंदर अंदर आजम खान जेल की सराखों के पीछे बंद था। मित्रों, बहुत सारे विधायक ये कह रहे थे कि सरकारें आती है चली जाती है, प्रदेश में बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा पूरे प्रदेश के अंदर भू माफिया गिरोह का ब्यौरा है, प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा गुंडा तंत्र है जो आजम खां के द्वारा चलता है। मुख्यमंत्री आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन आजम खां जैसे व्यक्ति के कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने कहा भैया, इसे योगी बाबा कहते हैं, जेल में तो जाएगा ही जाएगा और बुलडोजर भी चलेगा, एक तरफा बुलडोजर भी चलेगा। मित्रों,